छत्तीसगढ़ में पटवारी के 301 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। इसका एग्जाम डेट 10 अप्रैल भी निर्धारित कर दिया गया है, तो आप अपने स्तर पर कंपटीशन एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। इसी बीच छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें यहाँ पर टोटल 11 पोस्ट हैं, जो कि अनारक्षित एसटी एससी के बारे में यहाँ पर पूरा विवरण दे दिया गया है कि टीजीटी और पीजीटी शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए 3 जगहों पर विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर छुरी कला कोरबा और लाफा पाली कोरबा और रामपुर पोड़ी उपरोला कोरबा में जारी किया गया है, जो कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में जारी किया गया है। रिक्त पदों पर यहाँ पर माध्यम वाइज यहाँ पर डिटेल दे दिया गया है, इसके लिए आपको ऑफलाइन ही आवेदन करने होंगे और ये अतिथि शिक्षक के रूप में भर्ती किए जाएंगे। आप 7 मार्च 2022 तक आपको आवेदन करने होंगे। यहाँ पर योग्यता के बारे में भी यहीं पर दे दिया गया है विस्तृत जानकारी। इसके बारे में आप और विस्तृत जानकारी लेना चाहेंगे या आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहेंगे, तो हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोरबा जिले के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया है, जहाँ से आप आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं और अवलोकन भी आप कर सकेंगे। आयु की गणना न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित की गई है। आपका छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, कोरबा जिले का ही निवासी हो ऐसी इसमें कोई बाध्यताएँ नहीं रखी गई हैं। आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना भी अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर योग्यता के बारे में बताया दिया गया है कि पीजीटी शिक्षक के लिए क्या योग्यता रहेगा, तो 2 वर्ष का एकीकृत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आप न्यूनतम 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए, या मान्यता प्राप्त संस्था से आप 50% के साथ स्नातक स्नातकोत्तर किए होने चाहिए। इसके अलावा आपको बीएड की उपाधि भी आप किए होने चाहिए। यहाँ पर बीएड के साथ आपको सीटेट पास भी होने चाहिए या सीजीटेट पास आप होने चाहिए, जबकि टीजीटी शिक्षक के लिए 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं स्नातक को आप पास किए होने चाहिए या स्नातक आप 50% के साथ किए होने चाहिए। यहाँ पर कई सारे जैसे कि टीजीटी शिक्षक हिंदी अंग्रेजी हर वर्ग के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई है, लेकिन इसमें टेट उत्तीर्ण या सेट उत्तीर्ण सी टेट जो होता है केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं वो उत्तीर्ण आप होने चाहिए। पूरा डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है कि चयन प्रक्रिया किस प्रकार से आपसे होंगे। चयन प्रक्रिया के लिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि क्या क्या रहेगा, मानदेय भी आपका क्या रहेगा, वो यहाँ पर पूरा डिटेल दे दिया गया है। इसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है कोरबा जिले की ऑफिशियल वेबसाइट का, इसका लिंक जिससे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अधिक एनालिसिस कर सकेंगे। इस पीडीएफ के साथ ही आपको यहाँ पर नीचे आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इसी आवेदन पत्र के प्रारूप को आपको भर कर भेजने होंगे। यहाँ पर ये पता दिया हुआ है, इसी पते पर आपको आवेदन पत्र भेजने हैं। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर। छत्तीसगढ़ में पटवारी की भर्ती के बाद ये और वैकेंसी शिक्षकों की निकाली जा चुकी है। आप पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्यापम का भी लिंक दे दिया है। व्यापम द्वारा पटवारी की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है।